phenomena based on surface tension. Example number one, needle supported on water surface. Needle कभी पानी पे तैरती नहीं है, needle को रखो डूब जाएगी. पर अगर आप बहुत ध्यान से एक खड़े हुए पानी में needle को बड़े ध्यान से रखें, बहुत ही हल्का, कि पानी हिलना नहीं चाहिए कोई मॉलिक्यूल, तो needle सरफेस पे रुक सकती है, तैरती नहीं है. आर्कोनिक प्रिंसिपल फेल नहीं है, तैरती नहीं है, रुकी हुई है. क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो सरफेस है, इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. क्यों? मॉलिक्यूल पास पास आए हुए हैं, उसके ऊपर टिक गई है मॉलिक्यूल्स के ऊपर. आप एक काम करें, उस पानी को हिला दें, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, नीडल डूब जाएगी. तो ये रुकी हुई है अभी. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन की तरह है. मेम्ब्रेन क्या होती है? आपने नीडल को रखा, नीडल का ही क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो नीडल को रखा, तो देखो ये मेम्ब्रेन ने इसी की शेप एक्वायर कर ली. शेप एक्वायर करने का मतलब कि ये मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है. हाँ, अगर आप इसको हिला दोगे तो टूट जाएगी मेम्ब्रेन, फिर नीचे गिर जाएगी. तो इसके अंदर क्या है कि यहां पर जहां पर सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन अगर सिग्मा है, जो कि क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो वहां पर यानी कि सरफेस टेंशन की फोर्स भी है. सरफेस टेंशन, अब देखो नीडल को नीचे कौन लेके जाएगा? इसका वेट लेके जाएगा, डब्ल्यू वेट लेके जाएगा. और यहां पर जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, अगर ये सरफेस कर्व है ना, याद रखना, इसके ऊपर अगर मैं पूछूं कि सरफेस टेंशन की फोर्स क्या है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना. सरफेस, कोई भी सरफेस अगर टेढ़ी है, या अगर मान लो कोई भी सरफेस प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, मैं बोलूंगा सरफेस टेंशन की फोर्स रिप्रेजेंट करो, तो ये देखो टेंजेंट बनेगी. क्योंकि सरफेस ही फ्लैट है तो टेंजेंट भी फ्लैट है, सरफेस टेढ़ी हो गई तो टेंजेंट भी टेढ़ा हो गया. तो सरफेस टेंशन की फोर्सेज ऐसी बनेंगी, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स सरफेस टेंशन के ऊपर एक्ट करेगी, जो किसको बैलेंस कर जाएगी, वेट को. आप सोचो कि इस फिगर में सरफेस टेंशन नहीं है, तो ये फोर्स भी नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली नीडल क्या करेगी, डूब ही जाएगी. तो किसने बचाया नीडल को? सरफेस टेंशन की फोर्स ने, ना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा इस पे. ये नीडल, आप कहोगे मैं घर जाता हूँ और नीडल तो डूब जाती है, मेरे से तो हुई नहीं है, तो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लग रही है. अच्छा चलो, नीडल तो भारी है, एक मॉस्किटो मच्छर ले लो, और डेंगू के तो अंदर तो स्पेशली कहते हैं पानी को खड़ने मत देना, कहीं खड़ गया तो मेम्ब्रेन की तरह काम कर लेगा, और मच्छर आराम से 100-200 मच्छर आराम से बैठा होता है. मच्छर को तैरना नहीं आता, मैं बता दूंगा आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता वो. अगर पानी चल पड़ा ना तो डूब जाएगा, या हिला दिया ना तो भी डूब जाएगा. खड़ा हुआ है ना, अगर मच्छर आकर बैठ जाएगा, मॉस्किटो बैठ जाएगा आराम से. क्यों? क्योंकि लिक्विड की सरफेस एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. लिक्विड में इफेक्ट नजर, नीडल में इफेक्ट कम नजर आता है, मॉस्किटो में ज्यादा नजर आता है. तो मॉस्किटो का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, ये देखो, पहले वो कर लेते हैं. ये देखो, ये मॉस्किटो है, बग है, ये रहा, ये शक्ल है इसकी, और इसकी टांगे हैं गोल, ऐसी टांगे हैं इसकी. तो ये लिक्विड की सरफेस को भी ऐसी शेप एक्वायर करवा देगा जहां बैठेगा. हल्का है ना, बहुत हल्का है, तो हल्का सा लिक्विड जो है वो टेढ़ा हो जाएगा ऐसा. तो सरफेस टेंशन की फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, और बग के वेट को क्या करेगी, बैलेंस करेगी. तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, नीडल वाला थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है. नीडल में ना बिल्कुल पानी की मोशन बिल्कुल स्टिल चाहिए, एक बूंद भी हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. और नीडल को आप रखते हो ना, तो पानी हिल जाएगा तो नीडल आपसे डूबेगी. नीडल को रखने का एक तरीका होता है, ब्लॉटिंग पेपर होता है ना जो आराम से डूबता है, उसके ऊपर नीडल रखी जाती है. और वैसा है कि बहुत टाइम तक वो पानी को सोखता रहेगा, आराम आराम से नीचे जाएगा, और मेम्ब्रेन को खराब भी नहीं करता. तो बड़े कंट्रोल्ड वे से एक्सपेरिमेंट है ये. तो नीडल ऊपर रह जाती है, पेपर नीचे खिसक जाता है. हम रखेंगे तो डूबेगी. इसलिए हमारे लिए लगता है कि प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल्ड वे से किया जाए तो टिकाया जा सकता है. नीडल भारी है, मॉस्किटो देख लो, आपके सामने तो हल्का ही है, वो तो बैठा भी है. अब जैसे ये रहे, जो पेंटिंग ब्रश है, आप पानी में डालते हो तो हेयर एकदम फैल जाते हैं, और अगर आप बाहर निकालते हो तो ये एकदम चिपक जाते हैं. क्यों चिपकते हैं? वो इसलिए चिपकते हैं क्योंकि जब पानी में है तो पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो अंदर क्या है, इसके अंदर वेट है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और बाहर क्या है, एयर है.
तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खींच लेते हैं पानी के मॉलिक्यूल को, एयर खींच नहीं पाता। तो पानी के मॉलिक्यूल जब अंदर की तरफ खींचते हैं पानी को, तो वो एकदम ऐसा हो जाता है, चिपक जाता है। पानी पानी को खींच रहा है, एयर खींच नहीं पा रहा, तो वैसा चिपक जाएगा, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि पूरे जो जो ब्रश है वो पूरा गीला है, तो पानी 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 को खींच रहा है, तो टाइट हो गया, एयर नहीं खींच पाई। लेकिन जैसे ही पानी में डालते हो, बाहर मीडियम में क्या है, पानी है, तो पानी पानी में नेट फोर्स जीरो, कौन खींचेगा, कोई भी नहीं, तो फिर तैरना स्टार्ट कर देते हैं वो। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। जो जितने छोटे रेन ड्रॉप होंगे ना, वो गोल स्फेरिकल होते हैं। हल्का सा पानी का ड्रॉप है, वो भी स्फेरिकल होता है। रीजन, क्योंकि जब जैसे ही आपने ये ड्रॉप लिया, जैसे सपोज करो आपने एक छोटा सा ड्रॉप लिया, इस ड्रॉप के अंदर क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर क्या है, एयर है। अब ये जो बाउंड्री देख रहे हो, बाउंड्री, बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स के बाहर तो एयर है, बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स को कौन खींचेगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स खींच लेंगे, पानी पानी को खींच लेगा, तो हर तरफ से इसको खींचेगा और एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज, और कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमाइज मिनिमाइज, तो शेप क्या एक्वायर कर लेगा, स्फेरिकल, क्योंकि एरिया जो है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, एयर खींच नहीं पा रही, तो इसकी जो शेप है वो क्या होगी, छोटे ड्रॉपलेट्स की, बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स की क्या हो जाती है, स्फेरिकल। बड़े ड्रॉप स्फेरिकल नहीं होते, बड़े ड्रॉप जब गिरते हैं तो ऐसे ऐसे गिरते हैं, क्योंकि इसमें वेट भी अपना फैक्टर रोल प्ले करता है, वेट की वजह से थोड़े लंबे हो जाते हैं। जितना छोटा ड्रॉप होगा जिसका वेट बहुत कम होगा, उतना स्फेरिकल निकलेगा। इवन ये भी देखें, स्मॉल मरकरी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल एंड लार्ज टेंड टू फ्लैटन। तो मैंने बताया, लार्ज तो वेट के चक्कर में फ्लैटन हो जाते हैं, अगर आप थर्मोमीटर तोड़े मरकरी निकलेगी तो अपने आप छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं स्फेरिकल, अपने भी बन जाती हैं। क्यों? मरकरी और मरकरी की फोर्स अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होती है, तो मरकरी मरकरी को खींचते हैं और एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं, एयर नहीं खींच पाती तो शेप क्या एक्वायर होती है, स्फेरिकल, तो स्फेयर बन जाता है। फिर से आप मोल्टन मेटल ले लें, पिघला हुआ कोई भी लोहा ले लें, और उसको छोटे 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 ड्रॉप्स पानी में गिरे तो वो सूख जाएगा, तो छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि जो आयरन है या कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, उसके अंदर ये मोल्टन मटेरियल है, लिक्विड है अभी, तो ये बाहर क्या है, वाटर है, तो इंटरफेस चेंज हो गया, पानी मोल्टन मेटल को खींच नहीं पाता, मोल्टन मेटल मोल्टन मेटल को खींच पाता है, तो फिर से शेप क्या एक्वायर करता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप होने के रीजन सिर्फ सरफेस टेंशन ही है, ताकि एरिया को क्या करना है, कम से कम, कम से कम क्या शेप एक्वायर करेगा, स्फेरिकल। क्लियर है यहां तक? जैसे ये बहुत सही एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर वो कहते हैं एक काम करें कि एक रिंग लें, ये रॉड है और एक रिंग, वो बच्चे खेलते हैं ना, वो साबुन वो जो सोप बबल्स, तो वो उसमें डालते हैं रिंग और एक फिल्म आ जाती है इसके ऊपर, फिर वो एयर ब्लो करते हैं और बबल्स 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 निकलते हैं, ऐसी रिंग होती है, तो एयर इसमें हवा मारनी है। तो कहते हैं कि इसमें ना, सपोज करो आपने सोप की फिल्म आ गई, इसमें बहुत पतली होती है सोप फिल्म, तो अब आप एक काम करें, आप एक गीला धागा लें, वेट थ्रेड, गीला बताता हूँ क्यों लें, गीला धागा लें और क्लोज होना चाहिए, मतलब लंबाई में नहीं, मतलब बंद होना चाहिए, जैसे ये पीस है गोल ऐसा, तो आप एक इस धागे को, इस वेट थ्रेड को इसके ऊपर रख दें ऐसे, ध्यान से रखें सोप फिल्म टूट ना जाए, वो तो फट जाती है, तो एक बार टूटी गई बस फिर बात खत्म, फिर क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो इसीलिए गीला धागा लिया, क्योंकि सोप फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड के हैं और थ्रेड भी गीले हैं। तो ये भी लिक्विड है और थ्रेड भी लिक्विड मॉलिक्यूल से हमने गीला किया हुआ है, तो उसका जो टूटने का डर नहीं है इसमें, सोप फिल्म का टूटने का डर कम रहेगा। अब आप क्या क्या करें, एक पिन लें, पिन से इसको प्रिक करें, होल कर दें, यहां नहीं करना, यहां करना है, होल कर दिया, तो ये अंदर का जो ये वाला पोर्शन है ये टूट जाएगा, पर सोप फिल्म यहां यहां रह जाएगी, ऐसा होता है ना, सोप फिल्म यहां यहां रह गई, सोप तो चिपक ही जाता है, तो यहां 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 रह गई। थोड़ी देर में आप देखेंगे, ये तो एयर है बीच में खाली है, थोड़ी देर में इसकी शेप सर्कल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि सोप फिल्म अपने एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज,
ड्यू टू सरफेस टेंशन, हवा के अंदर एक्सपेरिमेंट है, और जब मिनिमाइज करेगी हर तरफ से अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगी थ्रेड को, और थोड़ी देर में देखो ये मिनिमाइज होगी तो ये थ्रेड अपने आप ही सर्कल बन जाएगा और एरिया, ये वाला एरिया कम से कम आ जाएगा। अब ये तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अगर आप कर पाओ करके देख लेना तो ये थ्रेड अपनी शेप अपने आप चेंज करेगा। इसका मतलब वाकई सरफेस टेंशन जो लिक्विड की सरफेस है उसके एरिया को क्या करती है, मिनिमाइज करती है। क्लियर है यहाँ तक? और स्फेरिकल शेप भी ये एग्जाम्पल देता है कि मिनिमाइज करती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोप फिल्म ने अपने एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज, उस चक्कर में ये थ्रेड क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप अक्वायर कर लेगा।